नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री फैक्ट्स पर। उम्मीद है आप सब एकदम ठीक होंगे। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पर आपको फैक्ट्स एंड मिस्टीरियस से भरपूर ऐसी बातें बताई जाती हैं जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। भूतिया घटनाओं के बारे में जानना सबको मजेदार जरूर लगता है मगर मन में एक डर भी बैठ जाता है। कुछ हॉरर स्टोरीज इस तरह की होती हैं जिन पर हर कोई विश्वास नहीं करना चाहता है, लेकिन जिन लोगों ने ऐसा कुछ महसूस किया है वो भूतों के होने का दावा भी करते हैं। हमारी पूरी दुनिया के हर कोने में भूतों आत्माओं को जो बातें चलती रहती हैं जिससे कई बार ऐसा लगता है कि भूत बनकर भटकती आत्माएं एक सच्चाई है। अब इन भूतों और आत्माओं के बारे में सब लोगों की अलग अलग राय है और यह विषय हमेशा ही बहस में रहा है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी रहस्यमय जगह लेकर आए हैं जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं दुनिया भर की ऐसी कुछ भूतिया तथा रहस्य से भरी जगहों के बारे में। नंबर एक, सबसे पहली जगह इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो है ऑस्ट्रेलिया की मोंटे क्रिस्टो रियासत के बारे में जो कि न्यू साउथ वेल्स में है। इस विरासत को ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक डरावनी जगह के नाम से मशहूर किया गया है। साल 1885 में जब ये जगह बनाई गई थी तो यहाँ पर बहुत ही दुख भरी घटनाएं हुई थी। इस जगह के निर्माण के बाद मोंटे क्रिस्टो का पूरा परिवार यहाँ रहता था और ये सब लोग 1948 तक यहाँ रहे। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद यहाँ पर बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी जिनसे बहुत लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसलिए तभी से ही इस जगह को मनहूस तथा भूतिया माना जाने लगा है। ऐसा कहा जाता है कि मोंटे क्रिस्टो रियासत की रखवाली करने वाला जो इंसान था उसका बेटा दिमागी तौर से ठीक नहीं था और कभी कभी हिंसक भी हो जाया करता था। इसलिए उसे 40 साल तक लोहे की चेनों से बांधकर घर में बंद करके रखा गया था। एक दिन वहां लोगों ने देखा कि वो अपनी मर चुकी माँ की लाश के साथ लिपटा पड़ा है और इस घटना के बाद ही उसे पागलखाने भेज दिया गया था और कुछ दिनों बाद उसकी वहां पर मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, वहां पर ऐसी अनहोनी घटनाएं घटती ही रही थी। साल 1948 में जो उस जगह को छोड़ दिया गया तो इस परिवार के जाने के बाद भी ये सिलसिला बंद नहीं हुआ। आज भी लोग वहां पर जाने से डरते हैं। नंबर दो, अगली हॉन्टेड प्लेस जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो है हमारे भारत का भानगढ़ का किला। इस किले का रहस्य हमारे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा में है। बहुत से रिसर्चर्स इस किले पर रिसर्च कर चुके हैं लेकिन इसका रहस्य आज तक दुनिया के सामने नहीं आया है। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में एक तांत्रिक ने इस महल पर कुछ काला जादू कर रखा था। तब से ही भानगढ़ के किले को भूतिया किले के नाम दिया गया था। दोस्तों, ऐसा भी देखा गया है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश करना मना किया जाता है। कई बार लोगों ने इस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने की कोशिश की है और किले में जाने की भी कोशिश की है लेकिन उन्हें इस किले में जाकर पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई क्योंकि इस किले के आसपास जो घर बने हैं उन पर भी छतें नहीं है और अगर उन छतों को बनवा भी दिया जाता है तब वो चटक कर अपने आप टूट जाती है। इस रहस्य को अभी तक जाना नहीं गया है मगर दोस्तों, सुनने के बाद ही हमारे रोंगटे खड़े होना स्वाभाविक है कि आखिर इस किले में ऐसा क्या है जिसे लोग महसूस करते हैं। नंबर तीन, अब बात करते हैं हमारी अगली रहस्यमय जगह के बारे में जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। दोस्तों, ये पुस्तकालय कोलकाता में काफी पॉपुलर है और उसमें बहुत सी किताबें हैं इसलिए इसे राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम भी दिया गया है। मगर इस जगह का भूतिया होना तथा रहस्यमय होना काफी चर्चा में रहता है। यहाँ काम करने वाले गार्ड बताते हैं कि रात के समय इस लाइब्रेरी में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो रहस्य से भरी हुई हैं और जिसके बारे में आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। कहा जाता है कि जिन मजदूरों की यहाँ मौत हुई थी उनके भूत आज भी कोलकाता के पुस्तकालय में रहते हैं। दोस्तों, काफी समय पहले एक स्टूडेंट पुस्तकालय में गया था जो आज तक वापस नहीं आया है। कई लोग कहते हैं कि जब भी सुबह इस लाइब्रेरी को खोला जाता है इसकी साफ सफाई के लिए तो हर दिन काफी पेपर, किताबें और बहुत सारा अन्य सामान बिखरा हुआ मिलता है। तो दोस्तों, यह है कोलकाता के रहस्य से भरी लाइब्रेरी की छोटी सी कहानी। नंबर चार, आज की हमारी वीडियो की अगली रहस्यमय प्लेस है स्नेक आइलैंड जो कि ब्राजील में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ब्राजील के इस आइलैंड पर किसी भी इंसान का जाना सख्त मना है इसलिए इस जगह की मिस्ट्री हमेशा ही चर्चा में रही है। ये दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है जिसमें बहुत से जहरीले सांप देखे गए हैं और ऐसा बताया गया कि इस आइलैंड पर लगभग 4000 सांपों का बसेरा है। ये गोल्डन बैंड हेड स्नेक नाम से सांप भी रहते हैं जो कि इतने जहरीले हैं जिनके केवल 1 ग्राम जहर से 50 लोगों की जान जा सकती है। दोस्तों, ऐसा भी माना गया है कि एक बार यहाँ एक लाइट हाउस भी बनवाया गया था जहाँ एक परिवार रहता था मगर उन सबकी मौत भी सांपों के काटने से हो गई। तब से इस आइलैंड पर किसी भी इंसान का जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। अब ये सांप हमेशा यहाँ क्यों रहते हैं इस बात का रहस्य अभी तक किसी को पता नहीं चला। दोस्तों, ये थी आज की कुछ रहस्यमय हॉरर स्टोरीज जो कि किसी भी इंसान को सोचने के लिए मजबूर कर सकती है। हम आशा करते हैं कि भूत प्रेतों से रिलेटेड ऐसी सच्ची घटनाएं और किस्से आपको बेहद पसंद आ रहे होंगे जो कि हमारी वास्तविक जीवन से संबंध भी रखते हैं। आइए अब बात करें कुछ रोचक फैक्ट्स के बारे में। आइए अब माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं और कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बताते हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2 केले खाने से आप 50 से 70 मिनट तक एक्सरसाइज करने के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए केले को खुशी और एनर्जी देने वाला फल का नाम भी दिया गया है। हमारे दिमाग में बहुत सी बातें घूमती हैं मगर क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग अच्छी यादों से ज्यादा बुरी यादों को याद रखने की कैपेसिटी ज्यादा रखता है। दोस्तों, अक्सर लोग दाएं हाथ से लिखते हैं और अपने सारे काम करते हैं मगर शायद आप नहीं जानते होंगे कि जो लोग बाएं हाथ से अपना ये सब काम करते हैं वो दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के कंपैरेटिव कंप्यूटर
कंप्यूटर गेम्स और आउटडोर गेम्स में ज्यादा अच्छे होते हैं। ये फैक्ट है हमारे स्टूडेंट के लिए जो पढ़ाई के लिए बहुत देर तक सिटिंग करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि 30 से 35 मिनट पढ़ाई करने के बाद अगर आप 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो पढ़ा हुआ आपके दिमाग में अच्छे से याद रहता है। अगर आप कम सोते हैं तो एक तो आपके दिमाग में फालतू घटनाओं को याद रखने की संभावना बढ़ जाती है और दूसरा आपके वजन बढ़ने की संभावना भी कम सोने से बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों भरपूर नींद लें। अगर आप अपने कपड़ों से दाग धब्बों को हटाना चाहते हैं तो अपने टूथपेस्ट को कपड़ों पर लगाकर सूखने के लिए छोड़ दें। कुछ समय बाद धोने से दाग धब्बे निकल जाते हैं। दोस्तों जितना हो सके हंसा कीजिए क्योंकि हंसने से आपके मुंह की मांसपेशियां तंदुरुस्त होती हैं और आपकी स्किन भी अच्छी रहती है और दूसरा आपके दिमाग में जो दबाव जो स्ट्रेस है वो भी हंसने से कम हो जाता है। आप शायद नहीं जानते मगर लड़कों के मुकाबले लड़कियां नई लैंग्वेज को सीखने में ज्यादा सक्षम होती हैं और इसलिए लड़कियां डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज ज्यादा करती हैं। ये थे कुछ मजेदार फैक्ट। अब आज की हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। आपसे मुलाकात होगी हमारी ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।